है। मेरे किरदार का नाम है संतोष। जो यहाँ पे आपने पोस्टर्स देखे होंगे उसमें एक बहुत ही नकाब लगाया हुआ, एक बहुत सीक्रेट सा बंदा खड़ा हुआ है। वो सीक्रेट फिलहाल खुल गया, वो बंदा मैं ही हूँ। तो इसके जो कैरेक्टर के जो पार्ट्स है, वो जो क्या करता है इस फिल्म में, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देख के समझने में। और बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, कॉमेडी एंड हॉरर ऑल टुगेदर। सो यू कैन वॉच इट विद योर फुल फैमिली, विद किड्स, विद पेरेंट्स। सो इट्स अमेजिंग, आप लोग एंजॉय ही एंजॉय करोगे। एंड फुल टू लाफ्टर है, फुल टू लाफ्टर। जी मेरा नाम ललित सिंह राव है एंड मेरे कैरेक्टर का नाम है दिलीप। मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही लाउड है और नौटंकी भरा है। एक होता है ना, एक बंदा ग्रुप में अपने, या तो आप ही होंगे या फिर आपका कोई दोस्त होगा, जब आप मुझे देखेंगे या तो आप खुद को देखेंगे या अपने दोस्त को देखेंगे। बहुत ही महफिल की शान है बेसिकली। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो टाइटल सुन के ही मैंने हाँ कर दिया था। टाइटल इतना यूनिक है। जब आप फिल्म की कास्टिंग कैसे हुई आपकी, इस फिल्म का टाइटल आपने नाम सुना होगा कुत्ते की दुम। जी जी। नाम से फिल्म बना, तो कैसे फिल्म का पार्ट आप कैसे बना उसका? बेसिकली मैं स्ट्रगल तो कर ही रहा था, फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक चालू है, एक ऑडिशन और ओपन ऑडिशन है, जाके देखे आ जा। तो एक्चुअली में मैं नहीं जाने वाला था उस दिन, मैं थोड़ा डाउन था, मन भी नहीं था मेरा, तो मैं फिर भी चला गया। वो शायद लिखा था मेरे लिए, मैं गया एंड मैंने, मुझे देने को मिला ऑडिशन। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया शॉर्ट लिस्टिंग का, फिर से दिया मैंने। और फिर थर्ड डे मुझे बोला गया कि आपको साइन कर रहे हैं हम लोग, यू आर फाइनल। थैंक यू सो मच। तैयार है, क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी। कितनी खुशी आज? पुराना एक गाना था, इतनी खुशी मिली कि आज आंसू छलक गए। आई एम वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू एवरी वन। फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है, किस जॉनर की फिल्म है, और आपके हिसाब से फिल्म की यूएसपी क्या होगी? सर देखिए, हम भविष्य तो नहीं बता सकते, हाँ पास्ट ज़रूर बता सकते हैं। ये फिल्म डेफिनेटली सभी के लिए नई है, हमारे लिए भी नई है। हर चीज़ हम जनता पे और भगवान पे छोड़ते हैं। इसके अलावा आप तीन फिल्मों काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी जरा बताओ। मैं काम नहीं कर रही बेटा, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। यस यस। हाँ, मेरे तीनों प्रोजेक्ट इसी तरह कुत्ते की दुम की तरह ही बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छे हैं, और जब भी लॉन्च होगा डेफिनेटली आप लोग को बुलाएंगे। फिल्म की यूएसपी आपके हिसाब से क्या होगा, गाना होगा? हर चीज़। मैं किसी एक चीज़ को करूँगी तो हो सकता है कि जस्टिस ना हो, तो इसलिए मैं अपने गानों को भी बोलूँगी, अपने कैरेक्टर्स को भी बोलूँगी, स्टोरी को बोलूँगी, स्क्रीन प्ले को बोलूँगी, हर चीज़ को। और फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहेंगे, सारे नए स्टार कास्ट हैं, फिल्म की कास्टिंग आपने कैसे की, उसके बारे में बताओ। सभी के ऑडिशंस रखे गए थे, जिस तरीके से डायरेक्टर ने बताया है, सभी के ऑडिशंस रखे गए थे और हर इंसान को यहाँ पर चुना गया है। मतलब आँख मूंद के या किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, जिस तरीके से कैरेक्टर चाहिए थे, जैसे स्क्रीन प्ले की ज़रूरत थी, जैसे रोल की डिमांड थी, एज इट इज़ हमने सभी को चुना है और मैं उन सभी से सेटिस्फेक्शन। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? प्लीज़ वॉच कुत्ते की दुम। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत खुश हूँ मैं। मेरे मतलब जो उम्मीद से ज़्यादा मुझे मिला है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जनता भी ये देख के खुश हो, अच्छे रिव्यूज़ आप लोगों से मिले हमें, और बहुत सारी गुड विशेज आप सबसे चाहती हूँ मैं। फर्स्ट जैसे सबका होता है कुत्ते की धूम, फिर वो जो कहानी सुनी तो उसके साथ ये जस्टिस करता है, और आप लोग खुद देखेंगे मोरल है, स्टोरी है, आपको शिक्षा मिलेगी उसमें, सब चीज़ों में एक समझदारी की जो बात होती है, जो आजकल कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी खो गई है, वो दिखेगी इसमें आपको। आपको क्या लगता है कुत्ते की धूम सीधी होगी? रियल लाइफ में कितने ह्यूमन है जो बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, तो कहानी वही है, तो सुधरना है वो हमारे हाथ में, बिगड़ना है वो भी हमारे हाथ में। कितना एक्साइटमेंट आज फिल्म की स्क्रीनिंग है? बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हूँ मैं। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट भी थे आपको? तीन प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी हमारे, अभी जैसे ये रिलीज हो जाएगी वैसे ही वो स्टार्ट हो जाएंगे।